अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं ऑस्टिप सेंट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस किस तरह से हाइड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। पिछली बार मैंने बताया था गैलरी लॉक के बारे में, जिससे आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह हाइड करते थे। अब मैं बता रहा हूँ कि बिना किसी एप्लीकेशन के आप किस तरह से पिक्चर्स वीडियोस और अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम अपनी गैलरी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। सिंपली हम ये आफ्टर फोकस नाम का फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तो पिक्चर्स आ रही हैं। अब हम इसको हाइड करते हैं। आइए देखते हैं। हम अपनी फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, डिवाइस स्टोरेज ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आफ्टर फोकस नाम का फोल्डर आ रहा है, जिसमें हमारे पास दो पिक्चर्स हैं। अब हम इसको हाइड कैसे करेंगे? सिंपली हम इसको रीनेम कर देंगे और इसके नाम से पहले डॉट लगा देंगे बस। और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम के पहले डॉट लगा के रीनेम कर देना है और हमारा फोल्डर हाइड हो जाएगा। ये देखिए, हमारा फोल्डर यहाँ से हाइड हो चुका है। यहाँ पे कहीं पे भी हमारा फोल्डर नज़र नहीं आ रहा है। आइए हम गैलरी में भी चेक कर लेते हैं। सिंपली हम अपनी गैलरी ओपन करते हैं, जहाँ से भी हमारा फोल्डर हाइड हो चुका है और जितनी भी चीज़ें उस फोल्डर में थी वो भी हाइड हो चुकी हैं। आइए देखते हैं अब इसको हम वापस कैसे लाएंगे। सिंपली हम दोबारा अपनी फाइल मैनेजर में जाएंगे, डिवाइस स्टोरेज ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा फोल्डर था, हम यहाँ पे तीन डॉट हैं, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है शो हिडन फाइल, इसको चेक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारी जितनी भी हिडन फाइल्स थी वो शो हो गई हैं। यहाँ पर हमारा आफ्टर फोकस नाम का फोल्डर भी शो हो रहा है। अब हम इसको दोबारा रीनेम करते हैं। सिंपली हम दोबारा डॉट नहीं बल्कि हम इसको रीनेम करेंगे दोबारा। सिंपली हम इसको रीनेम करते हैं और इसके जो हमने डॉट लगाया था उसको हटा देते हैं। डॉट हमने हटा दिया और रीनेम कर दिया। और फिर हम बैक कर देते हैं, ये देखिए। और यहाँ से हम ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से हमारा आफ्टर फोकस का फोल्डर यहाँ पे आ गया है और हाइड भी नहीं है। और सिंपली हम गैलरी में जाते हैं तो यह हमारा आफ्टर फोकस नाम का फोल्डर आ गया है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं इसी तरह की न्यू वीडियोस आपके पास इस चैनल पर डालता रहूँगा आपकी आसानी के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।